वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज मेरे चैनल पे चल रहा है रिव्यू सीरीज ऑन फाउंडेशन, तो मैं लेकर आई हूँ आज एक नया फाउंडेशन जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है नायका में। मैं इसका बहुत ही टाइम से वेट कर रही थी कि कब ये इंडिया में लॉन्च होगा। मैं बात कर रही हूँ मेबेलिन सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन, बहुत लंबा नाम है बट ये अमेजिंग फाउंडेशन है। बहुत टाइम से मैं इस फाउंडेशन का वेट कर रही थी। आई नो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो मेबेलिन के वेबसाइट से, जो कि यूके से या यूएस से आप मंगा सकते हो, लेकिन आपको डॉलर रेट्स में देना पड़ेगा जो कि आपको महंगा पड़ जाएगा। तो अब फिकर नॉट, अभी तो ये इंडिया में मिलता है आपके मेरे सबके फेवरेट वेबसाइट पे मिलता है जो कि ये नायका, जहाँ पे हर एक प्रोडक्ट ओरिजिनल होता है, नो डुप्लीकेट नो फेक। सो गाइज बात करते हैं आज इस फाउंडेशन के बारे में। मैं आपको रिव्यू दूंगी प्लस डेमो करके बताऊंगी कि फुल कवरेज है या नहीं है। बट वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना। वीडियो के बारे में जो कुछ भी बोलना हो तो कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे आपके कॉमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो गाइज बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पैकेजिंग के बारे में। बहुत ही नॉर्मल जैसे हर एक फाउंडेशन का पैकेजिंग होता है वैसा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेजिंग नहीं है। बस ये ग्लास बॉटल में आता है विद अ पंप, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेबेलिन फिटमी फाउंडेशन जो है, जो कि बहुत ऑसम है, सबका फेवरेट होता है वो भी, लेकिन उसमें पंप नहीं है, लेकिन इसमें पंप आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है वो वेस्ट नहीं होता, उसमें बहुत बार वेस्ट हो जाता है। सो पंप इज ऑलवेज द बेस्ट। सो गाइज जैसे हम हमेशा करते हैं, एक साइड अपना ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगे और दूसरी साइड में ब्रश के साथ अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस वे में ज्यादा अच्छा वर्क करेगा ये फाउंडेशन। तो मेरा जो शेड है वो है 310। इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरा जो स्किन टोन है वो सूट करेगा तो आप 310 जरूर लेना। तो यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, ये प्रो आर्ट का ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा है, आप भी एक बार ट्राई करना, प्रो आर्ट की ब्यूटी ब्लेंडर्स बहुत अच्छे हैं। सो बढ़ते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर पे इस फाउंडेशन को ले लिया है यहाँ पे, तो हम ये साइड ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगे। पहले तो मुझे लग रहा था कि 310 पता नहीं मुझे सूट करेगा कि नहीं, क्योंकि मेबेलिन फिट मी जो है वो मुझे 220 सूट करता है ज़्यादा, 310 में मैं थोड़ी सी डार्क लगती हूँ, बट यहाँ पे मुझे 310 सूट कर गया, लाइक फुल मेरे स्किन टोन से मैच कर रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी विद द शेड। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे ज़्यादा शेड्स नहीं लॉन्च किया है जबकि इसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं, अगर इनके वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो बहुत सारे शेड्स हैं, अभी इंडिया में इतने ज़्यादा शेड्स लॉन्च नहीं किए हैं। इसका जो लिंक होगा मैं आपसे शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लेना चाहो तो डायरेक्टली ले सकते हो। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बस एक पंप लिया है मैंने यहाँ पे, और एक पंप में एक साइड मेरा कवर हो चुका है, बहुत अच्छा कवरेज मिला है मुझे यहाँ। एक पंप में मुझे बहुत अच्छा कवरेज मिला है, लाइक जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, लेट मी टेक यू क्लोजर तो आपको पता चले कि एक्चुअली ये कितना अच्छा कवरेज है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत पिंपल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक पंप में फुल कवरेज दे रहा है, कवरेज वाइज ऑसम, और बहुत मैट फिनिश दे रहा है, लाइक नो चिपचिपापन एंड ऑल, एंड यस बहुत अफोर्डेबल है। तो अब ये साइड हो गया है मेरा, यहाँ पे मुझे नहीं लगता मुझे और एक पंप की ज़रूरत है। अब हम ये साइड ट्राई करके देखते हैं ब्रश के साथ कि ये कैसा कवरेज देता है। तो मैं यहाँ पे और एक पंप ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ रियल टेक्निक का पफिंग ब्रश। अब हम इसे ब्रश के साथ लगा के देखते हैं कि ये किस तरह कवरेज देता है यहाँ पे। गाइस ब्रश के साथ ये इस तरह कवरेज देता है, जैसे कि आपको मैंने अपने पिंपल्स दिखाए थे जो कि यहाँ पे फुल्ली हाइड हो चुके हैं। आई एम इम्प्रेस्ड, ये एक्चुअली में फुल कवरेज है गाइस, नो डाउट, बहुत ही अच्छे से मुझे फुल कवरेज दिया है। मुझे नहीं लगता
कि मुझे यहाँ पे और एक पम्प की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स है फेस पे तो ऑफकोर्स आप और एक पम्प यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पे मुझे ज़रूरत है. एंड या तो मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना डार्क सर्कल्स हाइड करना है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबेलिन फिटमे कंसीलर जो कि शेड है मीडियम. मुझे एक्चुअली ये दोनों ही चीज़ों के साथ बहुत अच्छा लगा, लाइक ब्रश हो या ब्यूटी ब्लेंडर, दोनों ही बहुत अच्छे से काम कर रहा है. लाइक मैंने ब्लेंडर के साथ अप्लाई किया है, बहुत अच्छा कवरेज मिला मुझे, ब्रश के साथ भी मुझे सेम मिला. तो इट्स अप टू यू आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन मुझे दोनों ही अच्छा लगा. गाइस जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक पंप में ही मेरा फुल फेस मेकअप हो गया. अगर अंडर आई है तो थोड़ा सा मैंने अब कंसीलर अप्लाई कर लिया और मेरा यहाँ पे फुल फेस मेकअप हो गया. बस थोड़ा सा ब्रॉन्जर लगाना है जो आपके फेस को थोड़ा एक यू नो शार्प लुक देगा. तो ये यहाँ पे मैंने ब्रॉन्जर अप्लाई कर लिया. गाइस आपने नोटिस किया होगा मैंने सेटिंग के लिए कोई पाउडर यूज नहीं किया, जस्ट बिकॉज मेरा कॉम्बिनेशन टाइप स्किन है, मुझे विंटर्स में ज़्यादातर सेटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. आई डोंट फील लाइक मुझे पाउडर यूज़ करना चाहिए, लाइक ओवर एंड ओवर मेकअप करने से कोई फ़ायदा नहीं है. यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं. मैं यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, मेरा DIY सेटिंग स्प्रे है ये, रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया था, दिस इज़ ऑसम. अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा या आई बटन में मैं शेयर करूँगी. मेरा फुल फेस मेकअप आफ्टर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन बहुत अमेजिंग लगा मुझे. ये 750 रुपीस का इसका MRP है, मेरा जो शेड है वो 310 है. गाइस गिव इट अ ट्राई, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है. अगर आपको मेबेलिन फिटमी फाउंडेशन अच्छा लगा तो आई एम श्योर आप इसके भी फैन हो जाओगे, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है. गाइस आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करना, कॉमेंट करना, सब्सक्राइब करना, जो भी करना है नीचे जितने बटन से सारे दबा देना. तो मिलती हूँ जल्दी ही अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय.